कितनी ढीठ हो। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक अशन नहीं वापस आ जाते मैं यहां से हिलूंगी भी नहीं। मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले कहा था कि मेरे घर से निकल जाओ, मेरा बेटा यहां पे वापस उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक तुम अपनी मनहूस शक्ल लेके निकलोगी नहीं यहां से। अब जो भी कहे, मैं यहां से एक कदम भी नहीं हिलूंगी जब तक अशन नहीं आ जाते। भूल गई थी, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। माँ ने पूरी जिंदगी खुददारी का ढोंग रचाया और जाते जाते मुझसे सबसे कीमती चीज ले गई, मेरा बेटा। तुम भी तो उसी की बेटी हो, कितनी खिदमत की है तुमने मेरे बेटे की, है ना? इस खिदमत का पूरा मुआवजा तो वसूल करके जाओगी तुम, यही बात है ना? ये लो पूरी कीमत उठा लो, इसमें तुम्हारे रास्ते का किराया और एक चेक है, और इस चेक में जो मैंने अमाउंट लिखा है ना, वो तो तुम्हारी 7 पुश्तें पूरी नहीं कर सकेंगी। आई एम श्योर इट विल बी एनफ फॉर यू। अब जाती हो या मैं चौकीदार को बुलाऊं? मुझ पर रहम करें मामी, आप मेरे साथ ये क्यों कर रही हैं? मैं इतनी रात को जाऊंगी कहां? अशर को तो आ जाने दें प्लीज। अपने नापाक मुंह से मेरे बेटे का नाम लेना बंद करो। वो अगर यहाँ होता ना, वो भी यही कर रहा होता तुम्हारे साथ। लेकिन ये तो बताए, मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? जन्नम में जाओ, एक रात क्या, मैं तुम्हें 1 मिनट अपने घर में नहीं रहने दूंगी। बर्बाद कर दिया तुमने मेरा घर, गेट आउट। मम्मी प्लीज 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 दरवाजा खोलें प्लीज, मैं इतनी रात को कहां जाऊंगी? मम्मी तुम हो ही इतनी नाजुक, तुम्हारी फिक्र रहती है मुझे। खैर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बहुत खास, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत बहुत इंतजार कर रही हूँ मैं आपका, आपके बगैर बिल्कुल तना हो गई हूँ। इतना दूर क्यों हो गए आप मुझसे, इतने अजनबी, मेरा कसूर क्या है ये तो बता दे मुझे।